बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी जो आप रिपोर्ट देखने जा रहे हैं, इसमें की जो आपको बताया जाएगा कि आप सभी का जो पार्ट वन का परीक्षा होगा 2019 से 22 सेशन वालों का, उन सभी का जो परीक्षा लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मतलब कि आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इसके ऊपर जो परीक्षा बोर्ड की आज बैठक होने वाली थी, इसमें जो है ये सारी निर्णय जो लेनी है कि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। इसके लिए जो है बच्चे अब संशय में हैं, और हालांकि पार्ट थ्री के जो भी स्टूडेंट है, मतलब 2018 से 21 सेशन के जो भी स्टूडेंट है, उनका कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन होगा कि नहीं पार्ट टू का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पार्ट टू में उनका रिजल्ट जो है फंस गया है, मतलब उनका या तो फेल हो गए हैं एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में उनको क्रॉस लग गया। इसके लिए जो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन लेने की बात पिछले जो परीक्षा बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें कही गई थी, साथ ही साथ MIL की पेपर के ऊपर भी जो है कही गई थी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। लेकिन नए परीक्षा नियंत्रक जो आयुक्त हुए हैं उन्होंने कहा है कि पार्ट वन की जो भी परीक्षाएं ली जाए वो ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ ली जाए, उनका जो है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ना हो, और इसके ऊपर जो है मुहर तभी लगेगा जब परीक्षा बोर्ड की बैठक में जब सभी लोगों की सहमति मिल जाएगी, तभी आपका जो है ऑब्जेक्टिव में जो है सवाल पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन जो है आपका ऑब्जेक्टिव ही लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां होने वाली है उन बच्चों को जो कि इस लॉकडाउन में पढ़ नहीं पाए हैं और वो गेस्ट पेपर के भरोसे बैठे हुए थे, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी के आधा से ज़्यादा बच्चे जो हैं गेस्ट पेपर के भरोसे बैठे रहते हैं और वो गेस्ट पेपर पढ़ के ही एग्जामिनेशन देने जाते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गेस्ट पेपर ही लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं और परीक्षा देना शुरू कर देते हैं। तो इस बार उन बच्चों को दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है तब फिर आपका जो है गेस्ट पेपर काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको गेस्ट पेपर पूरी तरीके से पढ़ के समझ करके तभी आप परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पे जो है निर्णय लिया जाएगा तो किस तरीके से निर्णय लिया जाएगा, यहाँ पे पिछले साल भी जब ये बातें निकल करके सामने आई थी तो इसमें कहा गया था कि आप जो है 5 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ लो या 10 सवाल आप ऑब्जेक्टिव पूछ लो, बाकी जो है कुछ सब्जेक्टिव रहने दो और बच्चे जो है कुछ सवाल लिख करके कम से कम पास कर जाएं। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने जो मीटिंग में कहा था कि बहुत सारे बच्चे जो है गेस्ट पेपर के भरोसे रहते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती है, उनके पास बुक नहीं होती है, और कॉलेज में तो पढ़ाई पहली बात है होती नहीं है, तो इसके कारण वो सभी बच्चे फेल कर जाएंगे और फेल का आंकड़ा सबसे ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। इसके कारण जो ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो आधे ऑब्जेक्टिव आधे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और आपके जो क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी, ऐसा जो पिछली बार कहा गया था। तो इस साल भी शायद वो प्रस्ताव सामने निकल करके आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार बीवी में 42 परीक्षाएं जो है UG और PG को मिला करके और वोकेशनल कोर्स को मिला करके फंसी हुई है, 42 परीक्षाएं होनी बाकी है। तो अगर पैटर्न में कुछ भी चेंजिंग आती है तो आपका जो है हर परीक्षा जो भी होने वाला सभी परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है तो क्या आप कंफर्टेबल हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पिछले साल भी यही कमेंट आया था, हमने पढ़ाई नहीं किया है, हम डेप्थ स्टडी नहीं कर पाए हैं तो हम ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। हालांकि मिथिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पिछले साल मिथिला यूनिवर्सिटी ने जो है अपनी जो भी परीक्षाएँ कराई वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ ही कराई थी और बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा भी दी, लेकिन खुलेआम चोरी चला था वहाँ पर और बहुत सारे बच्चों का रिव्यू यही आया था कि वहां पे तो हम जो है गेस्ट पेपर खोल करके ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर जो मार्केट में था उससे हम लेकर के जो है बैठे थे परीक्षा हॉल में। तो MIL की परीक्षा जब अपनी बिहार यूनिवर्सिटी में पिछले साल हुई थी तो तकरीबन 1.5 महीने के अंदर में जो है आपको ऑब्जेक्टिव वाला जो गेस्ट पेपर अवेलेबल हो गया था मार्केट में। अब यूनिवर्सिटी जो है इसी के ऊपर सैंपल भी निकाली थी, वेबसाइट पर सैंपल भी अवेलेबल कराई थी MIL के लिए, जो भी नॉन हिंदी थे, हिंदी वाले थे और उर्दू वाले थे, उन सभी के लिए जो है एक PDF फॉर्म में अपलोड की थी एक सैंपल पेपर, और बच्चे उससे भी जो है पढ़ करके गए थे। तो अगर अभी कुछ पैटर्न में चेंजिंग होती है तो पार्ट वन वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और आपका क्या विचार है ये ज़रूर बताना। और परीक्षा बोर्ड के बैठक के बाद जो है आपका तारीख तय किया जाएगा, हालांकि 8 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ चुका है आप सभी को मालूम है, तो 8 तारीख के बाद ही जो है परीक्षा का भी जो है निर्णय लिया जा सकता है, डेट जो है आ सकता है 8 तारीख के बाद का एक्सपेक्टेड डेट जो है शायद जारी किया जाए। और पुरानी कॉपी बेचे जाने की बात कही जा रही है तो मैं आपको बता दूं पुरानी कॉपी जो भी एग्जामिनेशन जिनकी हो चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं और उनके परीक्षा की जो कॉपियों का जो है अवधि तकरीबन 4 साल या 5 साल से ऊपर हो चुका है, तो उन पुरानी कॉपियों को बेचने की जो है बात कही जा रही है, नई कॉपियों की बेचने की बात नहीं कही जा रही है। वैसे बहुत सारी कॉपीज जो है जमा हो चुकी है, 3-4 साल से ऊपर की जो भी आंसर शीट्स है वो जमा हो चुकी है, तो इसे बेच करके यूनिवर्सिटी शायद पैसा लेना चाहेगी और नए पैटर्न पे जो है फोकस करना चाहेगी, तो वो कॉपीज़ भी बेची जाती हैं, कुछ हद तक जो है कॉपीज़ को बेची जाती है, सेल आउट की जाती है। और ऐसा रिपोर्ट आपने पिछले साल भी सुना था कि ट्रक से जो है कॉपीज़ पुरानी जा रही थी बेचने के लिए कवारी में, तो बच्चों ने जो है घेराव किया था, PG के स्टूडेंट ने जो है घेराव किया था, तो ऐसी जो है खबर आपको सुनने को मिली होगी और आज भी सुनने को यही मिली होगी कि नई कॉपी बेची जाएगी, नहीं पुरानी कॉपी बेची जा रही है, नहीं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ अपडेट्स के लिए, और कल रिपोर्ट जैसे ही आती है आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।